एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल गंजी थी, इस कारण वो रोज रात में गांव भर में घूमती और जो भी औरत खुले बाल करके सोती उसके बाल काट देती। एक दिन बबलू की बीबी सन्नू अपने बाल सवार रही होती है, तभी वहाँ बबलू आता है और सन्नू को बोलता है, अरे भगवान, पागल हो गई है क्या? ये बाल खोल कर बैठी है, पता नहीं गांव में चुड़ैल घूम रही है, और जो कोई भी बाल खोले हुए मिलता है चुड़ैल उसके बाल काट देती है। देखो जी, ये पागल वागल मत बोलो मुझे, नहीं तो झाड़ू से सूद दूंगी तुम्हें। और जब मेरे इतने खूबसूरत बाल हैं, तो क्या उन्हें दिखाऊं भी नहीं? पता है पूरे गांव में मेरे जैसे बाल किसी के नहीं हैं, और औरतें जलती हैं मेरे बालों से। और रही चुड़ैल की बात, देख लूंगी उसे जब आएगी वो। बड़े आए, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। देखो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं तो चला अपने काम पर। ऐसा कहकर बबलू वहाँ से चला जाता है। रात में सन्नो अपने कमरे में सो रही होती है, उसके लंबे बाल खुले होते हैं, तभी वहाँ चुड़ैल आती है। ये औरत बाल खोल कर लेटी है, इसकी इतनी हिम्मत, और जिसके बाल काट देती हूँ फिर ये भी मेरी तरह गंजी हो जाएगी और पूरे गांव में गंजा घूमेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सन्नू के बाल काट देती है। अगली सुबह सन्नू उठती है और गांव के हैंडपंप पर पानी भरने जाती है। औरतें जो उससे जलती थीं उसे देखती हैं और हंसने लगती है। तभी धनिया बोलती है, अरे का हुआ सन्नू भाभी, लगता है बबलू भैया ने तुम्हारे बाल काट दिए, ज्यादा मुंह चला रही थी क्या? हाँ, तुम बोलती भी तो बहुत ज्यादा हो। धनिया की बात सुनकर वहाँ खड़ी बाकी की औरतें भी हंसने लगती हैं। एक तो तुम मुझसे जलती बहुत हो, लेकिन तुम भी क्या करोगी, मेरे बाल हैं ही इतने खूबसूरत। ऐसा कहकर सन्नो अपने बालों में हाथ लगाती है, लेकिन बाल ना पाकर बोलती है, अरे मर गई रे, मेरे बाल कहाँ गए, कौन काट कर ले गया मेरे बाल। सन्नो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। बबलू घर पर आता है और सन्नो को रोता हुआ देखकर बोलता है, मैंने कहा था ना कि बाल खोल कर मत घूमो, लेकिन तुम मानती नहीं हो मेरी बात, अब भुगतो, तर गई ना गंजा वो चुड़ैल तुम्हें। कमाल का मर्द मिला है मुझे, दुनिया अपनी बीवी के गंजे होने पर दुखी होती है, और ये आदमी ज्ञान बांट रहा है। उधर रात के समय धनिया सो रही होती है, उसे सोते समय ध्यान नहीं रहता कि उसके बाल खुल गए हैं। चुड़ैल रोज की तरह आती है और धनिया के कमरे में झांकती है। लगता है इस गांव के सब लोग गंजा होना चाहते हैं। चलो अच्छा है, जैसी मैं उबला हुआ अंडा लगती हूँ, ये सब भी वैसे ही लगेंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल धनिया के भी बाल काट लेती है और धनिया भी गंजी हो जाती है। तभी धनिया जाग जाती है और चुड़ैल के पीछे चिल्लाते हुए भागने लगती है, लेकिन चुड़ैल भागते भागते एकदम से गायब हो जाती है। ले गई मेरे बाल, ले गई, मुझे गंजा कर गई रे, कोई पकड़ो इस चुड़ैल को रे, मेरे बाल काट कर ले जा रही है, हे भगवान कोई पकड़ो रे। उधर धनिया को घर पर ना पाकर उसका पति दिनेश गांव वालों को बुला लेता है। तभी वहाँ खड़ा बबलू बोलता है, अरे क्या हुआ दिनेश, इतनी रात को काहे जगाए हो, क्या बात है? अरे हमरी धनिया जाने कहाँ चली गई रात में, ना जाने क्या हुआ भैया। अरे खुशी मनाओ भाई, आजादी मिली, फालतू में शोर मचा रहे हो, मैं तो कब से तरस रहा हूँ ऐसी आजादी के लिए। वहाँ सन्नो भी आ जाती है। अभी झाड़ू से सूतूंगी ना तुम्हें तो आजाद हो जाओगे, एक तो उनकी बीवी खो गई है और तुम्हें अपनी बकवास की पड़ी है। इससे पहले गांव वाले कुछ करते, धनिया वहाँ रोते हुए आ जाती है। ले गई, ले गई, चुड़ैल हमरे बाल ले गई रे। अरे धनिया, तू भी गंजी हो गई मेरी तरह। सन्नू को देखकर धनिया को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो सन्नू बहन, मैंने तुम्हारा मजाक बनाया, शायद इसी की वजह से मैं भी उस चुड़ैल का शिकार हो गई। कोई बात नहीं धनिया, लेकिन अब इस चुड़ैल को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे,
ओहो, लेकिन मेरी झांसी की रानी, ये चुड़ैल है चुड़ैल, ऐसे कैसे निपटेंगे इससे? हम दोनों इस चुड़ैल को जरूर सबक सिखाएंगे। अगले दिन सुबह धनिया और सन्नो साथ में बैठी बातें कर रही होती हैं। तभी गांव के और भी लोग वहां आ जाते हैं और उन दोनों को बोलते हैं, तुम चिंता मत करो मेरी बहनों, हम सब इस चुड़ैल को पकड़ेंगे। हाँ। लेकिन सन्नो और धनिया कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती हैं। अरे इन दोनों को क्या हुआ, हम लोगों ने कौनो गलत बात बोल दी का? अरे भैया, हमका लागत है दोनों पागल हो गई है। बात भी ठीक है, छिला हुआ आलू और गंजा आदमी एक जैसा ही दिखत है, बेचारी धनिया और सन्नो। उधर रात में गांव वाले सो रहे होते हैं, तभी फिर से किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। गांव में सारी औरतें गंजी हो रही हैं और इसको देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है, अभी जगाती हूँ इसे। ऐसा कहकर सन्नो बबलू को जोर से लात मारती है। बबलू हड़बड़ाकर उठ जाता है। कौन कौन है भाई, चुड़ैल तो नहीं है, बचाओ बचाओ बचाओ। तुम्हारी बीवी गंजी हो गई है और तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो, अभी मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी है। फिर बबलू और सन्नो बाहर निकलकर देखते हैं। गांव वाले वहां पहले से ही इकट्ठा होते हैं और एक गंजी औरत रो रही होती है। ले गई ये चुड़ैल मेरे भी बाल, ले गई और गंजा कर गई मेरे बाल। तभी धनिया बोलती है, रो मत बहन, अब तो जिसे जाना था वो चले गए, अब तो इनके दोबारा उगने का इंतजार करना पड़ेगा और इस चुड़ैल को पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा गांव गंजों के गांव के नाम से मशहूर हो जाएगा। तभी सन्नो को वहां पर एक औरत दिखती है जो कि सावित्री नाम की औरत के घर में घुस जाती है, लेकिन सन्नो किसी से कुछ नहीं कहती। अगली सुबह वो सावित्री के घर जाती है। सावित्री खुले बालों में बैठी होती है। सन्नो सावित्री से बोलती है, अरे सावित्री बहन, तुम्हें पता चला कल एक और औरत के बाल वो बाल काटने वाली चुड़ैल काट कर ले गई? पता नहीं बहन, मैं तो घर पर थी, तबीयत खराब चल रही है इसलिए मैं तो बाहर ही नहीं निकल रही, पता नहीं क्या हुआ गांव में। सावित्री की बात पर सन्नो को हैरानी होती है और वो जाकर के बबलू को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर बबलू बोलता है, हमका तो सावित्री बहन में ही गड़बड़ लागत है, कई दिनों से वो दिख नहीं रही। मैं एक काम करता हूँ, दिनेश को बुला लाता हूँ, फिर हम चारों रात में चलकर देखेंगे कि क्या मामला है। फिर रात में बबलू, सन्नो, धनिया और दिनेश सावित्री के घर के पास छुप जाते हैं। रात में सावित्री के घर में से डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर दिनेश बोलता है, भैया हो ना हो ये चुड़ैल सावित्री के घर में छुपी है, हमें चलकर देखना पड़ेगा। भैया हम यहाँ इंतजार नहीं कर सकते हैं का? वो का है कि चुड़ैल का मामला है ना, हमका थोड़ा डर लगता है। बबलू की बात सुनकर सन्नो बोलती है, एक काम करो, हमारी चूड़ियां ले लो और पहन लो और हम तीनों चले जाते हैं, डरपोक कहीं के, चुपचाप चलो नहीं तो घर जाकर मैं ही चुड़ैल बन जाऊंगी, वहां तो कोई बचा भी नहीं पाएगा तुम्हें। सन्नो की बात सुनकर बबलू डर जाता है और उन लोगों के साथ सावित्री के घर में घुस जाता है। वहां सावित्री चुड़ैल के रूप में बैठी होती है। तो आ गए तुम चारों मरने के लिए, मैं तुम चारों को मार डालूंगी जैसे मैंने इसे मारा था। क्या बोल रही हो तुम चुड़ैल जी, सावित्री बहन को तुमने मार डाला लेकिन वो तो हमें रोज मिलती थी। वो कोई सावित्री वावित्री नहीं थी बल्कि मैं थी जिसे मैंने मार डाला था, मैं ही तुम लोगों से रोज मिलती थी सावित्री के रूप में। ललला, लेकिन तुमने सावित्री बहन को क्यों मारा? क्योंकि वो मेरा राज जान गई थी कि लोगों के बालों से मुझे शक्ति मिलती है और जैसे जैसे मैं लोगों के बाल काटती जाऊंगी और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। लेकिन तभी चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, उसका सर जलने लगता है। आ, किसने मेरे बाल काट दिए, बचाओ मैं जल जाऊंगी। चुड़ैल जी तुम्हारे बाल हम काटा हूँ, क्योंकि तुम कह रही थी बालों से तुम्हें शक्ति मिलती है इसीलिए हम काट दिया तुम्हारा बाल।
थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है और सभी गांव वालों को चुड़ैल के साये से मुक्ति मिल जाती है।